फ्रेंड, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आपका रेस्टोरेंट जोमेटो या स्विगी पे लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जोमेटो के बारे में कि अगर आपका रेस्टोरेंट जोमेटो पे लिस्ट है और आप अपने रेस्टोरेंट पे जो भी मेनू बनाए हुए हैं उसमें कैसे न्यू मेनू ऐड कर सकते हैं, या आपने जो पहले से मेनू बना हुआ है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप प्राइस वहाँ पे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या आप इमेज लगाना चाहते हैं, या आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि इसे आपको खुद से ही करना होता है ऑनलाइन। आपको मैं डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो यहाँ पे बता दें कि ये जो प्रोसेस है ये मैं लैपटॉप में दिखाने वाला हूँ। सेम प्रोसेस एप्लीकेशन में भी होता है, वहाँ पे भी मेनू होता है, मगर वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अकॉर्डिंग टू डेस्कटॉप मोड में अगर आप पीसी में यहाँ पे करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मेनू को अपडेट कर सकते हैं जोमेटो के केस में। तो अगर आप जोमेटो में आपका रेस्टोरेंट लिस्ट है, तब आप ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि मैं उत्तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं यहाँ पे टैंकर तेज चैनल। और चैनल पर नए आए हैं अभी तक, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जोमेटो से रिलेटेड आप जो है यहाँ पे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस से, ट्यूटोरियल से रिलेटेड और यहाँ पे टेलीकॉम से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा ले चलते हैं अपने लैपटॉप में और वहाँ पे आपको अपडेट करके दिखाते हैं। फ्रेंड, नीचे दिए हुए लिंक से आप यहाँ पे आएंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके रेस्टोरेंट का डैशबोर्ड है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन करते हैं, आप कोई भी एक आईडी अपनी ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने तीन चार रेस्टोरेंट की आईडी बना रखी है, तो उनमें से किसी एक आईडी को यहाँ पे ओपन करते हैं, तो उसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ओपन होके दिखाई देगा। तो दोस्तों ये डैशबोर्ड है क्योंकि मेरा जो रेस्टोरेंट है वो लाइव नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी नंबर्स नहीं दिखाई देंगे, कोई भी यहाँ पे एनालिस्टिक रिपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। देख सकते हैं 7 डेज में सब जीरो डैश डैश है, क्योंकि ये लाइव नहीं है, इसमें अभी कोई भी ऑर्डर वगैरह मतलब एक्सेप्ट नहीं होते हैं, और ना तो यहाँ पे अर्निंग अभी हो रही है, तो अभी ये ऑफ चल रहा है जो है रेस्टोरेंट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट आएगा। अगर अब आपको इस अपने रेस्टोरेंट में अपना मेनू ऐड करना है, तो बता दें कि अगर आप एप्लीकेशन से करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मगर आप इसमें आएंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट में तुरंत आपका मेनू जो है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे प्राइस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मेनू आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो पहला मेनू में आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू सेटिंग के नीचे मैनेज मेनू मेनू है। दोस्तों अगर आपको न्यू मेनू यहाँ पे ऐड करना है, तो नीचे आप लिस्टिंग में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये मेनू, यहाँ से अपना न्यू मेनू जो है यहाँ पे बना सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से बना रखा है, आपका रेस्टोरेंट लाइव है, तब आपको यहाँ पे घटाना बढ़ाना है, तो मैनेज मेनू पे आएंगे तो एक अलग से टैब ओपन होगा, इसमें आपको सिर्फ मेनू दिखाई देगा, तो यहाँ पे जितने मेनू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपने जो पहले से बनाया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जो रेस्टोरेंट है इस पर यहाँ पे बना हुआ है, जैसे छोले भटूरे हैं, एक होता है मेनू में मेन मेनू होता है, जैसे ब्रेकफास्ट में है, और उसके अंदर सब मेनू होता है, मेन मेनू फिर सब मेनू। मेन मेनू ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है वो चीज़ें आप देखिए, छोले भटूरे, आलू पराठा, पनीर पराठा, तो ये मेन मेनू है जो यहाँ पे बना हुआ है। अब सबके प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। अब आपको मान लीजिए किसी के प्राइस यहाँ पे घटाने हैं, बढ़ाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा किसी एक पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो उसका मेनू यहाँ पे खुल जाएगा। अब ये यहाँ बगल में राइट हैंड साइड में ये ओपन हो गया। अब इसका आप दाम घटा बढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो यहाँ पे ऑल डे ब्रेकफास्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है। अगर आपका कोई मेनू है जैसे कि थाली है, बियर्स है, कोई भी आपने बनाया है उसमें आपको इसको देना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं देना है तो आपका जो है आप अपने ब्रेकफास्ट में देना चाहते हैं, तो ब्रेकफास्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये यह यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, देखिए ब्रेकफास्ट में आ गया है। अब दोस्तों आपका जो ये मेनू है, वेज है, नॉन वेज क्या है, तो जैसे मेरा वेज है तो मैं यहाँ पे वेज पे एक बार सेलेक्ट करूँगा, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाए। फिर आपको नीचे आना है, डिलीवरी है या टेक अवे, कोई भी आके ले सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में क्या है, घर से शुरू है, सिर्फ डिलीवरी डिलीवरी है, तो यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन है। अगर आप घर पे मतलब कि घर पे दे सकते हैं, कोई आपके रेस्टोरेंट पे आके ले सकता है, वहाँ खा सकता है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। नहीं है ऐसा ऑप्शन तो इसको रहने देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे देखें प्राइस, यहाँ पे आप घटाना है बढ़ाना कुछ भी करना, जैसे कि यहाँ 59 है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 49 रुपीज़ यहाँ पे कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो टैक्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से यहाँ पे GST जो लगता है फूड पे 5% है, वो यहाँ पे आप इसको घटा बढ़ा नहीं सकते, और जो चार्जेस है वो भी आप यहाँ पे घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, वो सेम रहेगा। बस आप अपना प्राइस यहाँ पे रख सकते हैं, आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर GST भी जोड़नी है कि नहीं जोड़नी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको GST नहीं जोड़ना, GST अलग से यहाँ पे चार्जेस जो है लगेंगे, और यहाँ पे सिर्फ आपको अपना प्राइस, यहाँ पे अपना प्राइस प्लस जो है रेस्टोरेंट का जो है चार्जेस, वो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका अगर मेनू में आपको फ़ोटो लगानी है, तो यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं, वीडियो का भी ऑप्शन है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको इस फ़ोटो के बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है फ़ोटो के बारे में, अपना फ़ोटो होना चाहिए, उसका पिक्सल करना कैसा होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देख के आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो साइज़ होनी चाहिए फाइल की, वो 5 MB से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों जैसे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है आपके इस मेनू में, जैसे छोले भटूरे में है तो यहाँ पे दाल मखनी आपको देना, प्लस 2 रोटी, प्लस जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना कस्टमाइजेशन में। दोस्तों जब भी आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि वेरिएंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप वेरिएंट ऐड कर सकते हैं कोई अलग अलग, या एड ऑन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस छोले के साथ आप कुछ और देना चाहते हैं, जैसे बेवरेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है, अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक एड ऑन का ऑप्शन है, यहाँ से आप एड ऑन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और ये पहले से ही मैंने किया हुआ है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे बेवरेज किया हुआ है, आप चाहते हैं अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे और ये बेवरेज में है, तो बेवरेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप कुछ और भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे देना है तो, नहीं देना है तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, डिश डिटेल देना है किस में आता है, तो यहाँ कुछ कैटेगरीज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है, नूडल्स में, प्लेन नूडल्स किस में आता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मेन कोर्स में आता है, तो ये मेन कोर्स हो गया, और सर्विंग इन्फो पूछ रहा है कितने लोग को आप सर्व कर सकते हैं, 49 रुपये में कितने लोग खा सकते हैं, तो एक लोग, तो यहाँ पे एक कर दीजिए। कैलोरी आप काउंट कर लीजिए, कितनी कैलोरी आपके इसमें मिलेगी वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोटीन कितना इसमें रहेगा तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे 2 CMS होगा तो वो आपको अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग से आपको वीडियो देखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम कितना इसको लगेगा बनाने में, जैसे 0 से 5 मिनट लगेगा, तो यहाँ पे आप जो है टाइम दे सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आना बेवरेज में क्या है, जैसे कि कोक है, अगर आप देना चाहते हैं साथ में, कोक किसके साथ है कि नहीं वो आप यहाँ कर सकते हैं, जो भी है चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बेवरेज है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। बाकी यही चीज़ें हैं सारे नीचे, आपको स्पाइस लेवल कितना है, मीडियम माइंड, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं करना चाहते तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बस आपको अब क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से पूछेगा कि ये चीज़ें हैं, यहाँ यहाँ ये चेंज हो रहा है, तो यस करना है, तो जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पहले 59 था, अब यहाँ पे हो गया है 49। तो इस तरीके से आप किसी का भी मेन्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अलग से मेन्यू ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपको ऐड आइटम ये दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप ऐड आइटम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप अलग से एक मेन्यू यहाँ पे, जैसे ये छोले भटूरे, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे आपको करनी होगी, वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मेनू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों नीचे कैटेगरी भी आपको मिलेगी, आपने पहले से जैसे बनाया है, जैसे ब्रेकफास्ट में देना तो ये ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर लिए, ये थाली ये बनाना पड़ेगा आपको मेनू, इसी में भी मिलता है ऑप्शन, तो आप बना सकते हैं और उस कैटेगरी में आप अपना नया आइटम यहाँ पर ऐड
कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे ये मेनू वगैरह बनाए जाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। तो गाइस इस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट का यहाँ पे जो मेनू है उसको अपडेट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो था ज़रूर, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। तो गाइस कुछ है नहीं, बस इसी तरह आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, फिर आपका यहाँ पे रिव्यू होगा और यहाँ पे रिव्यू होने के बाद आपका यहाँ पे वैसे तो प्राइस तुरंत अपडेट हो जाता है, मगर अगर कुछ ऐसे केस में आपका रिव्यू में जाता है तो वो यहाँ पे जोमेटो के जो बैकएंड में है वो आपको यहाँ पे अप्रूवल देंगे, उसके बाद आपका सारी चीज़ें लाइव हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपडेट कर सकते हैं। अगर अब आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट में पूछिए, और चैनल पर नए आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।